हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 गार्ड डॉग ब्रीड्स। फिफ्थ प्लेस पे जो डॉग है उसका नाम है बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। इसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। इसका लाइफ स्पैन 8 से 10 ईयर्स है। इसके हाइट मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। मेल की हाइट इसकी है 64 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर के बीच में। फीमेल की हाइट है 61 से 66 सेंटीमीटर के बीच में। अब मैं बताता हूँ इसका वेट, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस। जो मेल का वेट है वो 50 से 59 केजीज के बीच में होता है और जो फीमेल का वेट है वो 41 से 54 केजीज के बीच में होता है। जो बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड है ये किड्स के साथ फ्रेंडली होते हैं। इसका नेचर फियरलेस होता है, इसमें बिल्कुल भी डर नहीं होता। अगर आपके घर में कोई गलत लोग आएंगे, जैसे कोई चोर वगैरह आ गया, तो ये बिल्कुल फियरलेस होता है, ये उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगा। फोर्थ प्लेस पे जो डॉग है उसका नाम है ग्रेडेन। ग्रेडेन का ओरिजिन जर्मनी से है। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। जो करंट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है टॉलेस्ट डॉग का वो इसी ब्रीड के पास है। ज्यूज नाम का एक डॉग है जिसकी हाइट 111.8 सेंटीमीटर्स है और जो डॉग की हाइट होती है वो पॉज से लेके शोल्डर तक मेजर करी जाती है। ग्रेडन का लाइफ स्पैन है 8 से 10 इयर्स के बीच में। हाइट, मेल की हाइट है 76 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट है 71 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर। जो वेट है, मेल का वेट होता है 54 से 90 केजीज के बीच में और जो फीमेल का वेट है वो 45 से 59 केजीज के बीच में होता है। जो ग्रेडेन का टेम्परामेंट होता है वो डिवोटेड होता है, वो अपने एक ओनर के ऊपर डिवोटेड होता है। उसके ऊपर ये रिजर्व नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है बच्चों के साथ, मतलब फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। और एक ये प्रॉपर गार्ड डॉग है। ये इतनी मैसिव डॉग ब्रीड है, अगर कोई और बाहर से आपके पास घर में आएगा एबनॉर्मल एक्टिविटीज के लिए, तो ये वो इसको देख के अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव डॉग है, बहुत बड़ा डॉग है। अब जो डॉग है थर्ड प्लेस पे जो डॉग है उसका नाम है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक मीडियम और लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। इसका ओरिजिन जर्मनी से है। गार्ड डॉग की तरह इसे प्रॉपरली यूज करा जाता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि रॉटवाइलर आपके आसपास भी कई लोगों के पास है और वो इसे प्रॉपर गार्ड डॉग की तरह यूज करते हैं। जो रॉटवाइलर का ओरिजिन जो है वो मैंने बताया जर्मनी से है और लाइफ स्पैन जो है इसका वो 8 से 10 इयर्स का है। हाइट, मेल की हाइट जो है आइडियल हाइट 61 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर के बीच में और जो फीमेल की हाइट है वो 56 से 63 सेंटीमीटर के बीच में। जो वेट है मेल का वो है 50 केजी से 60 केजीज के बीच में और फीमेल का वेट है 35 केजी से 48 केजीज के बीच में। टेम्परामेंट जो है रॉटवाइलर का वो है फियरलेस। मतलब मैंने अभी बताया कि ये जो डॉग होते हैं ये बहुत बढ़िया गार्ड डॉग होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी जान की फिक्र करे बगैर ये अब दूसरे जो गलत लोग होते हैं, जो गलत चोर वगैरह या कोई आएगा उसके ऊपर अपनी जान की फिक्र करे बगैर ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे साथ क्या होगा। तो ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और ये फैमिलीज के साथ सही तरीके से रहता है और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से रहता है। ये एक फैमिली और गार्ड डॉग के बीच की कैटेगरी का डॉग है, बहुत बढ़िया डॉग है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड प्लेस पे डॉग है वो है डोबरमैन। और डोबरमैन मेरा पर्सनल फेवरेट डॉग भी है। डोबरमैन का ओरिजिन जर्मनी से है। ये एक बहुत बढ़िया गार्ड डॉग की तरह यूज करा जाता है। इसे आपने देखा होगा कि ये पुलिस में और आर्मी में भी यूज होता है और कई बड़े सेलिब्रिटीज इसे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। जो ये डोबरमैन है इसका लाइफ स्पैन है 10 से 13 इयर्स के बीच में। इसकी हाइट है, मेल की हाइट है वो 66 से 72 सेंटीमीटर के बीच में है और फीमेल की हाइट है 61 से 68 सेंटीमीटर्स। जो वेट है मेल का आइडियल वेट है वो 40 से 45 केजीज के बीच में होता है और जो फीमेल का वेट है वो 32 से 35 केजीज के बीच में होता है। इसका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डॉग होता है, ये लॉयल डॉग होता है, अलर्ट करता है ये अगर घर में कुछ गलत चीज हो रही है और ये अलार्मिंग डॉग की तरह भी यूज होता है और इंटेलिजेंट डॉग है बहुत ज्यादा और ये भी फियरलेस है। जैसे कि सारे गार्ड डॉग्स होते हैं वो फियरलेस होते हैं और ये बहुत अच्छा गार्ड डॉग है। जब ये सेकंड प्लेस पे है।
अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट प्लेस पे जो गार्ड डॉग है उसका नाम है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एक एक्सीलेंट गार्ड डॉग की तरह यूज करा गया है और करा जाता है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे यूज होता था। जो इसके एंशियंट टाइम में जर्मन शेफर्ड डॉग थे वो भी अच्छे गार्ड डॉग्स की तरह यूज होते थे। इसका ओरिजिन है जर्मनी से। ये एक मीडियम साइज, मीडियम और लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहती है। अब तक मैंने जितने डॉग्स बताए उनमें से सबसे अच्छी तरीके से ये बच्चों के साथ रहते हैं। इसके जो मेल के मेल का हाइट है वो है 60 से 65 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट है 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। और इसका जो वेट है मेल का वेट वो 30 से 40 केजीज के बीच में और फीमेल का 22 से 32 केजीज के बीच में। और इसका लाइफ स्पैन है 9 से 13 इयर्स के बीच में। और इसका टेम्परामेंट है, ये लॉयल डॉग है, बहुत अच्छा अलार्मिंग डॉग है, इंटेलिजेंट डॉग है, करेजियस डॉग है और वॉचफुल डॉग है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे हमारे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।